वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं, इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगाना आसान काम नहीं है। सब जानते हैं कि आवाम की ख्वाहिशों को कुचलने का नतीजा क्या होगा, सारा मलबा किसी और पर गिरेगा और हुकूमत यही चाहती है, सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगु, कहा कि फौज अजीम इदारा है, कोई फ्यूचर नहीं है, इलेक्शन इलेक्शन अदलिया अदलिया अदलिया, कोई आसान काम नहीं होगा मार्शल लॉ लगाना या एमरजेंसी लगाना। बहुत जहां जहां एमरजेंसी लगाने वाले और मार्शल लॉ लगाने वाले हैं वहां भी सैबे फिक्र लोग हैं और सैबे दानिश्वर हैं, उनको पता है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा और आवाम की ख्वाहिशों को कुचलने के क्या नतीजे निकलते हैं। ये सारा मलबा फिर किसी और तरफ चला जाएगा, ये यही चाहते हैं कि हम पे मलबा ना गिरे और किसी और पे गिर जाए, ये नहीं होगा। सब कुछ प्लानिंग सोच समझ और साजिश के तहत हो रहा है। फौज अजीम अदारा है, शाती और मुजाहिद और ये मुल्क में कुर्बान होने वाले लोग हैं, सो हमें उनकी इज्जत और एहतराम को महफूज रखना चाहिए और इन चोरों और लुटेरों को इन तोपों के सामने रखना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी। बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समात की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज, CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।